लग गया। ब्रिज पे ये हैकर ये करके देख रहे हैं, भूत ही मार रहे हैं। बताओ भाई लोग कैसे हो। मैं गुरु आ गया हूँ एक नए गेम प्ले के साथ। और भाई काफी टाइम बाद आप लोग को मेरी वॉइस सुनने को मिली होगी, कम से कम 4 से 5 दिन हुए थे मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी थी। अब रीजन मैंने आपको बता दिया था काफी सारी वीडियोस में कि भाई देखो मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, बट अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो आज फाइनली वीडियो लेकर आया हूँ। खैर बात कर ले भाई आज वाले गेम प्ले के बारे में, तो भाई आज आप लोग देखने वाले हो सिर्फ एक ही गेम प्ले जो कि है रैंडम का। 4 नंबर बस रैंडम है इस मैच के अंदर, बाकी सारे टीममेट मेरे ही हैं। और एक नंबर को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसकी आईडी में पहले यूज किया करता था गेम प्ले बनाने के लिए। तो बाकी का इस गेम प्ले की बात करूं तो गेम प्ले बहुत मस्त होने वाला है, रिएक्शन भी 4 नंबर अच्छे देने वाला है, गेम के अंदर फाइट भी काफी अच्छी हुई है। तो मैं तो कहूंगा वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, फुल एंटरटेन होने वाला है आप लोग का आज की इस वीडियो में। बाकी यार जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा यार वो कोई क्लिकबेट नहीं है, वो सचमुच में मेरे मैच में यार गॉडल लॉल्ज भाई आए हुए थे और उनसे मेरी फाइट भी हुई थी। तो उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। बाकी तो गाइस देखो और मजे लो। चलिए गंज किया भाई बस। गुरु भाई मैं तो जा रहा रश कर। अरे यार क्यों चोरी कर लिया। और इस वाले मैच में तो भाई हमारे जो पवन भाई है नंबर वन, उसको तो भाई मैं रुलाई देने वाला हूँ किल के मामले में। तो बंदे भाई वो नंबर मजोर नहीं, इसकी स्किन बहुत हैवी लेके आ गए। गेम में मैं चालू करना मैंने थोड़ा ही। यहाँ पर डैमेज दिया है मैंने इसको। कहाँ पे यहाँ पर डैमेज एचपी किया उसको। इधर घर में एक ये आया पीछे से आ रहा है राइट से। खेल ही नहीं मिलता है यार गुरु भाई तेरी वजह से। गुरु भाई स्नाइपर मिले तो पता ना। स्नाइपर तो मेरी भी फेवरेट है, तेरे को स्नाइपर ही आता है वो। भाई फाइकी हम है किसी के पास। अब हम लोग यार जिस जगह पे उतरे थे उस जगह अपन ने मामला क्लियर कर दिया था, उसके बाद अपन इस साइड आते हैं अंदर की तरफ। अब इस वाले बंदे को जैसे ही मैंने नॉक फिनिश डाला भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी हेल्थ कंप्लीट करता हूँ। बाकी यहाँ देखो अभी होता क्या है, हेल्थ कंप्लीट करने के बाद भाई गन रिलोड पे लगाता हूँ और उसके बाद आता हूँ इस साइड। अब ये वाले घर पे ही एक बंदा था, मौली डाला लेकिन मौली गिर गई भाई नीचे। उसके बाद मैं ग्रेनेड भी डालता हूँ लेकिन ये बंदा मेरे टीममेट के मौली से नॉक हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे ट्विस्ट बाकी है, देखो अभी क्या होता है। लिटरली मेरे भाई लोग यहाँ पे ना सच बताऊं तो बिल्कुल गोटे मेरे मुंह तक आ गए थे भाई, कसम से भाई बंदे ने क्या खतरनाक कैंपिंग कर रखी थी। स्क्वाड हाउस में से मारा। हाँ स्क्वाड हाउस में चलो।
सर मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लेशियर है मेरे पास भी, ग्लेशियर है पर ग्लेशियर का मटेरियल ही नहीं है मुझे पास। अभी मटेरियल खरीद नहीं पाएगा भाई के पे। ये इधर बंदे है, बंदे मादर चोट। हाँ स्क्वाड हाउस में बंदे देख के जाइए। रुपये ये ना सामने आ जा, जल्दी आ। ऊपर भागो, ऊपर भागो। रुपये दो है। सबसे पहले यहाँ पे दो फ्री के किल मिल गए भाई, बहुत टाइम बाद बॉट आया लिटरली। बाकी अभी कुछ बंदे भाई स्क्वाड हाउस पे थे, अपने टीममेट भाई जा चुके थे स्क्वाड हाउस के अंदर। तो चलो भाई अपने टीममेट का थोड़ा साथ दे दूं, पता चले भाई मर बुरा जाए भाई। रुक जा तो आराम से। ये पीछे पीछे पीछे, यहाँ पे यहाँ पे गुरु भाई, यहाँ पे चल सकते। अभी यार एक बंदे को मैंने नॉक फिनिश दे दिया था, एक और बंदा बचा था और उस वाले बंदे को देखना भाई कहाँ पे चढ़ रखा था और कैसे इसको मारा है भाई। अरे ऊपर 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 लेटा है। भाई कसम से ये बंदा कब नीचे आया ना, लिटरली मेरे को आवाज तक नहीं आई यार। खैर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी और भी गेम प्ले देखने के लिए। अब यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं उस गॉर्डन लॉज वाले सीन के बारे में जो कि मैंने थंबनेल में दिखाया है, वरना आप लोग समझ जाओ भाई वो क्लिक बेट है, वो कोई क्लिक बेट नहीं है। सचमुच में मेरे मैच में यार गॉर्डन लॉज भाई आए थे और उसके साथ फाइट भी हो गई थी, लेकिन एक सीन हो गया था जो कि आप देखना चाहते हो तो उसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट करना। सही लगे तो लाइक भी कर देना गाइस। आजा आगे आगे। वॉच आउट। अब ये वाला बंदा तो भाई बच नहीं पाया, पूरा ही फिनिश डाल दिया बेचारे को। बाकी उसके टीममेट्स वहां पे कुछ और भी थे और देखना अभी आगे चल के बहुत खतरनाक वाला सीन होने वाला है भाई साहब, पूरी लूट की कमी पड़ जाने वाली है, क्या ही बताऊं। भाई एक डैमेज, एक नॉक रिवाइव देने आप फटाफट, एक नॉक है। आई नीड कंज्यूमेबल्स। मैं यहाँ पर ही उतर रहा हूँ, टेंशन मत ले लो। कर भैया ऊपर ऊपर। अरे यार यहाँ अगर मैं सच बताऊँ ना तो मैं भाई एक ही बंदा सोच के गया था, क्योंकि भाई एक ही बंदे का मेरे को साउंड आया था, लेकिन यहाँ पे तो भाई दो दो निकले कसम से, क्या ही बताऊँ। खैर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास रिकॉल था और देखना अभी जो भाई लूट के हमको कंगाली पड़ने वाली है ना, मैं क्या बताऊँ, स्पेशली भाई हेल्थ किट वगैरह की। बस देखते रहो क्या होगा आगे। 13 किल कर दिए, दो नंबर ने, बहुत डेंजर आदमी है बेटा। यूट्यूबर है। तेरा तो पिंग ही नहीं आ रहा यार, दूसरा। अब रिकॉल होने के बाद भाई नीचे आए, बगी वगैरह उठाए, फिर उसके बाद भाई पोचिंग की जाकर थोड़ी बहुत लूट किए और जोन पीछे आ चुका था तो अपन जोन के अंदर आए जल्दी से। और उसके बाद भाई जो चर्च वाले बंदे थे वो यहीं पे ही थे, चर्च के पास ही, और ये लोग भाई गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने ही वाले थे जस्ट, और अभी देखना क्या होगा इनके साथ। एक लगा, अब मारते हो तो नहीं आने देना, चोर में नहीं आने देना। कितना किल मिला? मार
अब यहाँ भाई बड़े आराम से मैं लेट के स्प्रे दे रहा था और लगा भाई मेरे को हेडशॉट और यहाँ पे नॉक। खैर यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी क्योंकि अपन ने उनकी गाड़ी फोड़ दी थी और वो लोग हमारे पास आ भी नहीं सकते थे। लेकिन अभी जरा देखो इनके साथ क्या होने वाला है। लगा दिया यहाँ भाई। मैं सच बताऊँ ना तो मेरा स्प्रे बहुत खराब हो चुका है। मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं काफी दिन से नहीं खेला था और इसकी वजह से स्प्रे बिल्कुल टट्टी हो रखा है भाई मेरा। बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी सेंसी मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस भी मैंने बहुत दिन से नहीं करी है यार कसम से। और यहाँ भाई सही बताऊँ तो अभी हेल्थ की बहुत कंगाली पड़ने वाली है कसम से। हेल्थ देखो भाई हमारे पास है ही नहीं और ऊपर से हेलमेट भी नहीं था। ड्रॉप खाली है, AWM है तो मेरे को। अब भाई हेलमेट वेस्ट का जुगाड़ तो हम लोगों ने ड्रॉप से कर लिया था। बाकी यहाँ पे M4 की एमओ मेरे पास नहीं थी, इसी बात की कमी थी और हेल्थ भी नहीं था। और उसकी भी कमी अभी पूरी हो जाएगी। जब यहाँ से अपन गुजर रहे थे तो यहाँ से अपने को एक साउंड आया, अपन गाड़ी रोके और ये वाला बंदा भाई ये सारी कमियां हमारी दूर कर देगा। पड़ा दो नंबर मार्क ऊपर, इधर अपने ऊपर ही है जस्ट। चल 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 चल, हेल्थ किट ले, हेल्थ किट ले ना, ये बैंडेज लगा पहले ले। I got supplies. बगी आ रही, बगी आ रही। नौ बंदी है रे। हेल्थ कंप्लीट करते ही भाई सबसे पहले नेड वगैरह डाला, इससे कुछ हुआ नहीं भाई। मैंने बोला डायरेक्ट रश कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मार दिया क्या भाई? कसम से इस बंदे ने कौन से नशे किए थे ना मुझसे मत पूछना, आप खुद बता देना भाई। इसको तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था भाई। अपन यहाँ पे अंदर भी आ गए, क्या था ये बंदा मुझे खुद को नहीं मालूम भाई। बाकी यहाँ पे भाई इस बंदे ने लूट तो तगड़ी दे दी थी, लेकिन भाई एक और चीज की यहाँ पे कमी थी जो कि भाई ग्रेनेड और मॉली। और भाई सही बताऊं तो ये ग्रेनेड की जरूरत मेरे को आगे बहुत ज्यादा पड़ने वाली थी और इस चक्कर में अपन ये चिकन भी मिस कर जाने वाले थे। लेकिन देखो अभी बहुत तगड़ा सीन होने वाला है आगे। ये भाग के जा रहा है, देख एक नंबर नीचे नीचे तुम्हारे नीचे, एक और नीचे भाई नीचे देख नीचे। हाँ वहां पर एक बंदे को नॉक डालते ही मैंने सीधा क्लोज इन कर दिया भाई, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। और देखो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। एक्चुअली में भाई एक बंदे का मेरे को लोकेशन यहाँ पे मालूम भी था, लेकिन मेरे पास भाई ग्रेनेड नहीं था। कसम से ग्रेनेड होता तो इस बंदे की मैं बजा देता यार। अब देखो सामने पे ही एक बंदा था, यहाँ इस बंदे को हल्का सा लेट दिया, बंदा अंदर भाग गया। कसम से यहाँ पे ग्रेनेड होता ना तो इसकी फट के चार कर देता यार। अब इसको जैसे ही नोक दिया मैंने सोचा भाई सामने वाले घर का मामला क्लियर है, लेकिन देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला है भाई। यहाँ मैं गंदी तरीके से फंस गया भाई, जस्ट सामने घर पे ही एक बंदा था और भाई लेफ्ट की तरफ से जो मेरे को पड़ी भाई उसने तो बिल्कुल हार्ट अटैक दिला दिया था यार मेरे को। उज्जवल है, घर पे आया आया। अब यहाँ मैं सच बताऊँ ना तो मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया था यार कि इस बंदे को तो मैंने पहले ही नोक दे दिया था, जिंदा कैसे हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, दो बंदों ने एक जैसे सेम कपड़े पहन रखे हैं जिसकी वजह से मेरे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी बचा था भाई एक ही बंदा और एक तो मैंने पहले ही नॉक कर रखा था। जोन निकल जोन में चलते गुरु भाई, चल दोनों अभी ये भाई साहब भाई गन पीछे करके बड़े आराम से अपने टीममेट को बचाने आ रहे थे, लेकिन इसको क्या पता भाई यहाँ पे इसकी मौत इंतजार कर रही है। खैर भाई गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी गॉडल लॉज वाला सीन अगर आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ देखो।
और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना यार, आपको भाई को थोड़ा सा यार सपोर्ट मिल जाएगा ना। बाकी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार, क्या कर रहे हो मेरी जान, कर दो ना यार, बहुत सताते हो यार मेरे को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, लव यू ऑल मेरी जान।